नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 71वें जन्मदिन पर बनवाया गया 71 पाउंड का केक। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में दिव्यांग शिविर का किया गया आयोजन। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर इंटरमीडिएट परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 71वें जन्मदिन पर राजद नेताओं व समर्थकों का उनके पटना आवास पर तांता लगा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए 71 पाउंड का केक बनवाया। उन्हें बधाई देने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की लंबी उम्र की कामना की और कहा कि इसी तरह लगातार लालू यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। तेजस्वी ने भाजपा पर भी पलटवार किया और कहा कि भाजपा अपने मंसूबे में कभी भी सफल नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में आने पर उन्होंने कहा कि उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। तेज प्रताप ने भी इस मौके पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। लालू जी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं और हमारा पूरा परिवार मिलजुल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी का जन्मदिन मनाने का काम कर रहा है। कल आप लोगों को पता है कि पूर्व संध्या से पहले हम लोगों ने आरजेडी के सभी वर्करों ने खून को डोनेट करने का काम किया था, रक्त दान करने का काम किया था, ताकि जरूरतमंदों को इलाज हेतु वो रक्त जो है वो प्राप्त हो सके। तो ये आज का जो दिन है खास तौर पे हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लालू जी का जन्मदिन हम लोग एक सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हमारी पार्टी और सभी लालू जी के चाहने वाले लोग मनाने का काम करते हैं। उधर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के 71वें जन्मदिन पर पटना स्थित छोटी पटन देवी मंदिर में छात्र राजद एवं महिला राजद द्वारा 71 दिए की आरती एवं गौ पूजन किया गया। मां पटन देवी से उनके लंबी उम्र और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बेतिया में एक बार फिर शराब बंदी कानून के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। साथ ही शराब कारोबारी सहित तस्करी में उपयोग की जा रही वाहन भी जब्त करते हुए कारोबारियों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन थाना अंतर्गत तेलुआ गांव में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। जब्त किए गए शराब में 381 कार्टून शराब शामिल है। नरकटियागंज सरकारी अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर चेतना जायसवाल, डॉक्टर शंकर सुशील और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल रहे, जिसमें कुल 51 दिव्यांगों की शारीरिक जांच की गई। NH57 पर भपटियाही थाना क्षेत्र के पीपरा गांव के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाप बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रतापगंज थाना क्षेत्र के विनोद लहोटिया अपने नवजात बच्चे के इलाज के लिए बाइक से सुपौल आ रहे थे, तभी पत्नी भी साथ में थी, लेकिन कुदरत का ऐसा कोप आया कि उसकी बाइक असंतुलित होकर सड़क के रेलिंग से जा टकराई। घटनास्थल पर ही पति विनोद लाहोटिया की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों द्वारा घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। कहाँ पे हुआ था घटना, कहाँ पे हुआ? मोटरसाइकिल से? ट्रक में मारा क्या? हाँ? कौन गाड़ी से लगा? मोटर से अपनी मोटर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर इंटरमीडिएट परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज की। छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, मगर दोनों के बीच धक्का मुक्की होने के कारण लाठीचार्ज की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बिहार में लागू होने वाली नई फसल बीमा योजना को लेकर कहा कि यह योजना बेहद कारगर है। इसे किसानों के जरूरत के अनुसार तैयार किया गया है। बिहार ने अपना एक प्रयोग शुरू किया है। इसे केंद्र की योजना से जोड़कर या नकारने के रूप में देखना सही नहीं है। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में मतभेद की बात को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी है। इन बातों का भी नवंबर और दिसंबर 2016 में ही बता दिया। एक तो ये बात है, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वहां राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रेफर किया गया कि भाई यहां सुनवाई चल रही है, और अगर हम लोगों के मन में कुछ बात है कि इसमें हम कुछ एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहते हों, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राज्य का अधिकार है, तो वो करे, जो कुछ भी करना हो, जो संविधान सम्मत हो करे। तो ये सब काम किया गया है, कमेटी गठित है, और वो शीघ्र ही जो उसके बारे में बातचीत होगी, और फिर यहां के एडवोकेट जनरल, और फिर जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में हमारे सीनियर एडवोकेट इस मामले को देख रहे हैं श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, उनकी राय लेने के बाद अंतिम रूप हो जाएगा तो हम लोग लाएंगे। लेकिन आप अगर एक प्रश्न पूछेगा कि क्या आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसका उत्तर है हाँ, हम कुछ करना चाहते हैं। काफी लंबे अंतराल के बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में सीएम संवाद का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, SC/ST विभाग से जुड़े मामलों में चुने गए लोगों का सुझाव लिया गया। सीएम संवाद में बिहार के अलग अलग जिलों से आए 20 लोगों ने सरकार से जुड़े मामलों को लेकर अपना सुझाव दिया। विशेषकर सीएम नीतीश कुमार को स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग को लेकर दो सुझाव बेहद पसंद आए। पैथोलॉजी की सुविधा है प्रखंड स्तर तक, हम लोगों ने सभी प्रखंड स्तर तक सेमी ऑटो एनालाइजर दिया है, और मेडिकल कॉलेज के स्तर पर ऑटो एनालाइजर दिया हुआ है, तो पैथोलॉजी की सुविधाएं जो हैं वो बेसिक रूप से ठीक हैं। रेडियोलॉजी में कुछ व्यापक हमें करना है सर। रेडियोलॉजी में दो तरह की हैं, एक डिजिटल एक्सरे की सुविधा देनी है और दूसरा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमारी समस्या ये हो रही थी कि मेरे पास सोनोलॉजिस्ट नहीं थे, इसलिए मैं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चला पा रहा था। लेकिन इसमें वर्तमान में पूर्व में एक आदेश था कि 6 महीने MBBS डॉक्टर की ट्रेनिंग करा करके आप उनसे अल्ट्रासाउंड मशीन को चला सकते हैं। सर मेरा सजेशन है हेल्थ सेक्टर से, सर राज्यों के अंदर संचालित सभी प्राइवेट जांच घरों और पैथोलॉजी सेंटरों द्वारा बड़े पैमानों पर जांच के लिए पैसा लिया जाता है। इसका कारण है कि सर उचित जांच व्यवस्था मतलब गुणवत्तापूर्ण सरकारी में नहीं हो पाता, जिसके कारण प्राइवेट वालों ने पैसा बहुत 5-6 गुना ज्यादा पैसा लेते हैं अपने हिसाब से। तो सरकार इस पे डिसाइड करें कि जो भी संचालित है राज्य के अंदर प्राइवेट, पहले तो सरकारी का व्यवस्था थोड़ा बढ़ाया जाए। हेल्थ के प्रधान सचिव थे तो एक सिस्टम बनाया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसका मतलब है कि सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लागू कर सकते हैं, कि कोई पेशेंट गया तो उस पेशेंट को देखने के बाद उन्होंने कौन सी दवा दी या क्या बीमारी है उसको, तो उसको भी आप यहां ले सकते हैं। भाजपा विधायक लल्लू मुखिया ने मोदी सरकार द्वारा 4 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धि बताने के लिए बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों द्वारा गली में नाली नहीं होने की समस्या के संबंध में पूछे जाने पर विधायक ने बताया कि बिहार की पिछली सरकार जो पिछले 15 वर्षों से बिहार को उपेक्षित कर रही थी, उसी कार्यों को हमारी एनडीए की सरकार कर रही है, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, बख्तियारपुर की हर वार्ड की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी से चौगुनी करने और आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक कृषि अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है किसान चौपाल। लौरिया प्रखंड के बसवरिया पंचायत के बनकटवा गांव में कृषि कर्मियों द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आधुनिक तरीके से खेती और समूह में खेती करने को बताया गया। किसानों से संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के साथ में कहता हूं कि मैं 5 चेतावनी देता हूं कि आज के बाद हम शिकायत सुनेंगे तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे।
बिहार सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट के परिणाम में बड़े पैमाने पर हुए धांधली के खिलाफ छात्र राजद के रोषपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम छात्र राजद के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता छात्र जिला अध्यक्ष शाहिल समीर उर्फ सोनू खान ने किया। जिले के दर्जनों छात्रों का झुंड पश्चिम चंपारण बेतिया के महाराजा पुस्तकालय से होकर लाल बाजार होते हुए सोआ बाबू चौक पर पुतला दहन किया गया। नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग में खोड़ी मंदिर के पास ट्रैक्टर के टक्कर से दो बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर पर मिट्टी लदा था बिना नंबर का ट्रैक्टर नरकटियागंज में बालू और मिट्टी के लिए प्रयोग बिना किसी डर से प्रशासन के मिलीभगत से किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाइक सवार दोनों भाई थे जिनकी पहचान पवन कुमार और बादल कुमार के रूप में की गई है। अररिया में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हिमालय की तराई में बसा अररिया जिला को हमेशा से मिनी दार्जिलिंग कहा जाता रहा है, लेकिन जून माह के आते ही इस बार पारा 37 से 38 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि यहां हमेशा 26 से 28 डिग्री ही तापमान रहता है। लोग इसे एक बड़ी परेशानी का सबब बता रहे हैं, साथ ही बिजली विभाग की लापरवाही ने लोगों को गर्मी की मार झेलने पर मजबूर कर रखा है। और बारिश भी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ का स्थिति यह है कि बिजली की भी व्यवस्था में देखिए बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। सही समय पे बिजली नहीं रहती है, हमेशा बिजली कट होते रहती है। परेशानी है काफ़ी परेशानी। गौनाहा विशेष अभियान में सहोदरा थाना क्षेत्र में शराब पिए हुए नशे की हालत में कुल चार लोगों को प्रेमनगर से गिरफ्तार किया गया है तथा एक व्यक्ति तथा एक महिला को ग्राम बजरा से गिरफ्तार किया गया है। विशेष अभियान में शराब और शराबियों के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिसमें कुल दो महिलाएं शराब के साथ और पाँच पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें चार शराब पीने वाले लोग हैं। इस छापामारी के क्रम में महिला सिपाहियों के साथ जब ग्राम पिपरा में चिरैया देवी के घर पर पहुंचा, तो चिरैया देवी तथा उनके परिवार के सभी लोग पुलिस पर हमला कर दिए, जिसमें लाठी डंडा ईंटा पत्थर से मारने लगे और मिर्चा का बुरादा पुलिस कर्मियों के ऊपर फेंकने लगे। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर लगी प्रशासनिक प्रतिबंध के बाद मोकामा के राजेंद्र पुल पर वाहनों का भारी दबाव बन गया है। अचानक वाहनों की बड़े पैमाने पर हो रही आवागमन से इस पुल की चतुर्दिक दिशा में 100 किलोमीटर तक महाजाम लग गया है। हर तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। नेशनल हाईवे 31, 80, 82 पर मोकामा से बाढ़ बड़बीघा लखीसराय तेघरा तक हजारों ट्रक इस महाजाम में फंसे हुए रहते हैं। पूरा NH जाम है, क्या वजह है और क्या कार्रवाई हो रही है? जी दरअसल महात्मा गांधी सेतु जो है वहाँ पर राजेंद्र नगर का, वो बंद हो जाने के कारण भारी गाड़ियों का उधर से प्रवेश निषेध हो गया है, जिसके कारण सारा लोड जो है इधर आ गया है। इसके कारण लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। मनेर थाना क्षेत्र के पूर्वी सुअर मरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। वही गांव में वर्चस्व को कायम रखने के लिए एक पक्ष ने ताबातोड़ हवाई फायरिंग का भगदड़ मचा दिया, जिसमें एक दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें मनेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।